आज हम चर्चा कर रहे हैं सेहत की एक ऐसी ही परेशानी की, जिससे हमारे आपके घर का कोई ना कोई मेंबर जरूर दो चार हो रहा है। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमजोर होने के चलते वो छोटी छोटी चीजों को भूलने लगता है। कभी कभी तो वो रिश्तों को भी पहचानना भूल जाता है। संजीवनी में हम आज डॉक्टर चौहान से मेमोरी लॉस की समस्या पर चर्चा करेंगे और जानेंगे याददाश्त को दुरुस्त बनाए रखने के लिए क्या है आयुर्वेदिक टिप्स, साथ ही साथ जानेंगे कड़ी पत्ते के औषधीय गुणों के बारे में। कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होती जाती है, लेकिन आज के समय में किसी भी उम्र में कमजोर याददाश्त की समस्या देखी जा रही है। तो चलिए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी वजह है जो याददाश्त कमजोर होने की वजह मानी जाती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए बड़ा अच्छा विषय है और आमतौर पर अक्सर किसी न किसी समय हमारे जीवन में ऐसा टाइम आता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को भूलने लगते हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि थोड़ा सा कुछ अभी पिछले दिनों में बात हुई, अभी रिसेंटली कुछ घंटों में कोई घटना घटी और एकदम से आपको याद नहीं आता। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत पुरानी बातें हैं वो आपको भूलने लगती हैं। लेकिन कारण क्या है, कारण को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं आपको कि यदि कारण समझ में आ जाए तो उसका सोल्यूशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कारण, सबसे बड़ा कारण आजकल के युग में देखें तो मेंटल टेंशन, जिसको कि मानसिक तनाव हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेस जिसको आमतौर पर हम कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त यदि देखें, अगर पोल्यूशन है जहाँ कहीं आप रहते हैं, अगर शुद्ध वायु वहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसके कारण भी आपके मस्तिष्क में याददाश्त यानी कि मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि खून की सप्लाई वहाँ कम जा रही है, रक्त सप्लाई नहीं पहुँच रही है आपके उसमें, या फिर जो है बच्चों में खास तौर से एक शिकायत मिलती है पेरेंट्स को कि ये बच्चे हमारे जो है पढ़ाई में बड़े कमज़ोर हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। बच्चों में जो मूल कारण इसका देखा जाता है कि यदि वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड उनका रहता है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम्स हैं, बड़ा माइंड उनका हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह टिकता नहीं है, तो उसके कारण भी उनका मेमोरी लॉस होता है। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद की भाषा में अगर हम इसको समझें तो प्राण वायु यानी कि प्राण वात, पांच प्रकार के वात हमारे शरीर में होते हैं, उनमें से जो मस्तिष्क के अंदर कार्य करती है उसको प्राण वात हम कहते हैं। प्राण वात की विकृति है और इसका मूल कारण हो सकता है कि वात वर्धक भोजन यदि हम खाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। आजकल जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, साथ में कुछ क्रिस्पी क्रंची चिप्स वगैरह खाते हैं, तो ये वात वर्धक भोजन है। या नींद यदि आपको अच्छी नहीं आती है, रात को आप सोते तो हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं है आपकी, गहरी नींद नहीं है, उसकी वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकता है। और जो लोग देर से सोते हैं, रात को लेट तक जगते रहते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो अगर आप देर सोते हैं रात को, उसके कारण भी मेमोरी लॉस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी मैं समझा दूं आपको कि यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी आपका मेमोरी लॉस हो सकता है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद क्या कहता है मेमोरी लॉस के बारे में। देखिए आयुर्वेद में जैसा मैंने कहा कि प्राणवायु की विकृति है हमारे मस्तिष्क में, यदि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, सिंपल भाषा में कहें तो वो एक मूल कारण है। इसके अतिरिक्त जो है ओल्ड एज में भी हमने देखा है कि जब वृद्धावस्था आती है तो वात का प्रकोप होता है, उसके कारण भी हो सकता है। और आयुर्वेद में इस रोग का, हम इसको स्मृति भ्रंश करके इसको बोलते हैं कि याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाती है, ये कई बारी जो है बुद्धि के साथ भी इसको जोड़ा गया है, यानी कि जो हमारी प्रज्ञा है जिसको हम इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट बोलते हैं, उसके साथ भी स्मृति धी धृति तीन चीज़ों का जिक्र आयुर्वेद में किया गया, यानी कि आपकी मेमोरी, आपका डिटर्मिनेशन पावर और आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये सब बहुत क्लोजली काम करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं। यदि आपकी मेमोरी वीक होगी तो डिस्क्रिमिनेशन पावर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है और आपकी डिटर्मिनेशन पावर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और थोड़ा सा गूढ़ में जाएं, थोड़ा सा गहराई में जाएं, डीपर लेवल पर जाकर के अगर हम देखें तो जब आपके मन के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है या रजोगुण की वृद्धि होती है तो उसके कारण आपकी मेमोरी लॉस होती है। आयुर्वेद में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन इसका किया गया है। और जहाँ तक आपने पूछा कि इसका उपचार, डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं मस्तिष्क के रोगों के लिए, मानसिक विकारों के लिए, और ख़ास तौर से इस तरह के जो रोग हैं जिनको कि आजकल हम कह देते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है,
ओल्ड एज में स्पेशली जब आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है तो आमतौर पर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हमें बोला गया कि अब ये तो ओल्ड एज है, ब्रेन आपका सिकुड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर एक स्पेशल ब्रांच है आयुर्वेद में, उसका नाम ही रखा है मेध्य रसायन। मेध्य यानी कि जो मेधा शक्ति को बढ़ाए, आपकी जो आपकी मेधा शक्ति है, यानी कि जिसमें अगेन हम मेमोरी की बात करते हैं, उसमें हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात करते हैं। तो ऐसे फार्मूले हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारे यहाँ पर, और ऐसे जड़ी बूटियों से मिल करके जो हमारे फार्मूलेशंस बनते हैं, हमारी जो मेडिसिन बनती हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अतिरिक्त हम स्नेहन की बात करते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि जो ड्राइनेस आपके मस्तिष्क में आ गया, सूखापन आ गया, श्रिंकेज आ गया, उसको दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वहाँ लुब्रिकेशन पहुँचाया जाए। नस्य चिकित्सा होती है, शिरोधारा होती है, कई प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप मेमोरी से पीड़ित हैं, मेमोरी लॉस से पीड़ित हैं, तो आपको सीधा आयुर्वेद में आ जाइए, कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं। आपको आयुर्वेद में जब आप आएंगे तो आपको डेफिनेटली उसका उपचार मिलेगा और आप स्वस्थ होंगे। लेकिन हम बार बार आपको एक चीज और भी याद दिलाते हैं कि जब आप आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसका मूल कारण क्या है रोग का, और उस मूल कारण को दूर रखें अपने आप से। बहुत बारी मैं देखता हूं कि दवाई लोग खाते हैं, हमारे यहाँ से पेशेंट आते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन परहेज नहीं करते। तो परहेज करना बहुत आवश्यक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मोनिका है हैदराबाद से। जी क्या जानना चाहती है मोनिका? एक्चुअली मेरा भाई थोड़ा हेल्दी बहुत है। हेल्दी मतलब बहुत मोटा है? हाँ जी। तो उसके पतले होने के लिए कोई इलाज बताइए। पतले होने के लिए इलाज? कितनी उम्र है उनकी अभी? उनकी 23। कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? अगर एक्सरसाइज वो करते हैं तो फिर थोड़ा डाइट पर कंट्रोल करें। नंबर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनको मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि बिफोर यू गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, बिफोर यू गो फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आजकल बाजार में, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज है कि एक दिमाग में बैठा हुआ है लोगों को कि भाई मोटापा जो है वो अच्छा नहीं है, और वो बात सही भी है। हमें अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए, आइडियल वेट रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेन चीज है वो आपका आहार और विहार, यानी कि आपका फूड एंड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज उसको करनी चाहिए। खाने में जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई और बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन ना करें, फैट वाली चीजें ना खाएं, तो आधा काम तो इससे हो जाता है। नंबर दो, यदि किसी बीमारी के वजह से उसका वजन ज्यादा है, कोई किसी तरह का विकार है हमारे शरीर में, कहीं ब्लॉकेज है, फैट कैरिंग चैनल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी अन्य बीमारी के कारण उनको मोटापा आ रहा है, तो फिर उस बीमारी का इलाज करना आवश्यक है। उसमें केवल ये नहीं है कि आप बस डाइटिंग करेंगे तो उससे आपका वजन कम हो जाएगा, वो टेम्परेरी होगा। जब तक हम उस जड़ को नहीं ठीक करेंगे, जब तक उस रोग के मूल कारण तक हम नहीं पहुंचेंगे, तो परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ज़्यादा घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो मोटापा या वेट को कंट्रोल करना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर समझ के किया जाए तो आसान है, और नहीं समझेंगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो चलिए डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि आयुर्वेद क्या कहता है मेमोरी लॉस को लेकर और आयुर्वेद में क्या क्या इलाज है, लेकिन डॉक्टर साहब प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पहचाना जा सके कि प्राइमरी सिम्टम्स? इसमें यही है, मेमोरी लॉस है तो याद ना आना चीजों का, किसी का नाम भूल जाना। कई बार कहते हैं अरे ये बंदा कहीं देखा है मैंने, नाम याद नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका नाम याद नहीं आ पा रहा है। कभी कभार कोई फ़ोन नंबर आपको कोशिश कर रहे हैं याद करने के लिए, आजकल तो जब से मोबाइल आया तो फ़ोन नंबर लोग भूल ही गए हैं, पहले तो बहुत याद रखते थे, लेकिन किसी का हाउस नंबर याद नहीं, एड्रेस भूल जाना किसी का, आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो एकदम ख्याल आता कि नंबर उनका याद ही नहीं आ रहा कौन सा नंबर था। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हमारे मस्तिष्क में या हमारी जो मेमोरी है उसमें कुछ कमजोरी आ रही है, और ऐसे समय पर यदि हम सही उपचार करें तो हमें आगे जो है जो आने वाली कठिनाई है उससे हम बच सकते हैं। इसीलिए हम आयुर्वेद में बार बार आपको समझाते हैं कि आप अगर प्रिवेंशन करेंगे तो रोग आएगा ही नहीं आपको। ऐसा वेट मत करिए
कि जब रोग आएगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, आयुर्वेद का जो गोल है, उसमें पहला गोल यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, उसके लिए दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में वर्णित हैं। और हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखिए। प्रिवेंशन इसी को कहते हैं कि कोई रोग आए ना आपको। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, अपने खान पान को जो है शुद्ध करके पाचन को अच्छा करिए, एलिमिनेशन जो आपका वेस्ट्स का है उसको प्रॉपर रखिए, तो फिर आप बीमार होंगे नहीं, और बीमार होंगे नहीं तो आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे स्वस्थ रहेंगे और अपना जीवन में जो भी आपको अचीव करना है उसको आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे मेमोरी को शार्प बनाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या है। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में बड़ी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इनका नाम आपने सुना भी होगा, कई बार हम बताते रहते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी दोनों यदि मिल जाती हैं आपको तो उनको पीस करके उनका चूर्ण बना लीजिए और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। यदि नहीं मिलती हैं तो हमारे यहाँ जीवा में आप ऑर्डर करिए, मेमोरिका टेबलेट एक आती है, उसका नाम ही मेमोरिका है। मेमोरिका सिरप भी हम बनाते हैं, इन्हीं जड़ी बूटियों से बनाते हैं जो मस्तिष्क पर काम करती हैं। या फिर सफ़ेद पेठा आपको आसानी से मिल जाता है, सब्जी मार्केट में आप जाते हैं तो सफ़ेद पेठा ले आइए। सुबह खाली पेट सफ़ेद पेठे का लगभग 100 मिलीलीटर आप जूस निकाल करके पी लीजिए एवरीडे, दिस इज़ वेरी यूजफुल, बहुत फ़ायदा होता है इससे। बादाम आप रात को भिगो दीजिए, 7-8 बादाम, सुबह छिलका उतारो, थोड़ा पीस लीजिए और उनका सेवन करें। साथ में एक चम्मच सौंफ भी आप पीस लीजिए, दूध के साथ सेवन करें, बहुत फ़ायदा करता है। या आपने देखा होगा अक्सर किसी मैगजीन में, अखबार में एक पजल आती है, उसमें कुछ क्रॉसवर्ड पजल हैं, कई प्रकार की पजल्स होती हैं, वर्ड्स की होती हैं, नंबर्स की होती हैं, तो ब्रेन एक्सरसाइज एक प्रकार से, यदि आप ब्रेन से कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन को कहीं लगाते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे भी ब्रेन में शक्ति मिलती है, अच्छी चीज़ है। और आपके घर में जीरा होता है, जीरा आप यूज़ करते हैं मसालों में, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा सुबह आप खाली पेट आप पाउडर ले लीजिए, उसको पानी के साथ आप ले लें एवरी डे, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू शार्पन योर मेमोरी। चलिए डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि मेमोरी लॉस में आयुर्वेद क्या कहता है और उपाय क्या कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें? देखिए, भोजन है सबसे बड़ी चीज, तो आपको अगर अपने मेमोरी को ठीक रखना है तो सात्विक भोजन हम जो बार बार कहते हैं, सत्व गुण की जब अच्छी डोमिनेंस रहेगी हमारे मन के अंदर तो उसी का एक जो है एक्सटेंडेड फंक्शन है हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन। सत्व गुण जब अच्छा रहेगा तो मेमोरी अच्छी रहेगी, डिटर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा, विल पावर भी अच्छी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी वो दुरुस्त रहेंगी। तो एक तो उस पर आपको ध्यान देना है, तो सत्व गुण कैसे बढ़ेगा, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको जो एक प्रिकॉशन ये भी रखना है कि जब कभी भी आपके मन में कहीं पर लगे आपको कि कोई थोड़ी कमजोरी आ रही है, उसको वहीं पर जो है आप थोड़ा प्रॉपर चेकअप करके कि क्या इसका कारण हो सकता है, उसको वहीं पर आपको ठीक करना चाहिए। ज़्यादा उसको डिले करते हैं तो रोग थोड़ा क्रॉनिक हो जाता है, और क्रॉनिक होगा तो फिर थोड़ा सा उसको चिकित्सा में मुश्किल आती है। बच्चों की अच्छी याददाश्त के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं जिससे कि वो बच्चों की याददाश्त दुरुस्त कर सके। देखो, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी टिप तो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा जो है टाइम दीजिए, उनको ऑर्गेनाइज करिए, उनका टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करिए, उनकी दिनचर्या ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि आमतौर पर मैं देखता हूँ कि बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एक जगह एक चीज में उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई में नहीं होता, खेल में भी जो आजकल चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी देर खेलेंगे फिर दूसरा, टीवी में भी देखो तो एक चैनल बदलेंगे फिर दूसरी चैनल पर आ जाएंगे फिर तीसरी पर आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है, ग्राउंडिंग की आवश्यकता है। उनको आप सिखाइए कि किस प्रकार से थोड़ा ग्राउंडिंग उनको जीवन में अभी से सीखनी चाहिए, कैसे वो जो है थोड़ा सा रेस्ट भी करें, माइंड को रिलैक्स भी करें। और बच्चों में मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई और कारण है, मूल कारण उनका डिस्ट्रैक्शन ही है। और साथ साथ बादाम का मैंने जिक्र किया, बादाम का सेवन उनको कराइए, उससे फर्क पड़ेगा, दूध पिलाइए, घी खिलाइए, उससे मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है।